इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए finovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, तो आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर जेपी मॉर्गन, दैट इज मिस्टर जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन के बारे में, जिन्होंने कई बार रिसेशन और डिप्रेशन के टाइम यूएस गवर्नमेंट को बचाया था, साथ ही कई सारी पावरफुल कंपनीज को फाइनेंसिंग की और कई सारी पावरफुल कंपनीज खड़ी भी की। पिछले दो केस स्टडीज में हमने मिस्टर जॉन डी रॉकफेलर और मिस्टर एंड्रू कार्नेगी की बात की थी और हमने देखा था कि इन दोनों का भी जन्म गरीब फैमिली में हुआ था। वही मिस्टर जेपी मॉर्गन का जन्म 1837 में एक रिच फैमिली में हुआ। मिस्टर जेपी मॉर्गन के पिता एक बहुत अमीर आदमी थे और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी। वो कई सारे अलग अलग कंपनीज को मैनेज करते थे। वो 89 इंश्योरेंस कंपनी चलाते थे, एक फाइनेंसियर भी थे, यानी कंपनीज को फाइनेंस भी प्रोवाइड करते थे, साथ ही एक सक्सेसफुल मर्चेंट बैंकर भी थे। मर्चेंट बैंकर का काम होता है कि कंपनीज को फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करना, साथ ही कंपनीज को फंड रेज करने में यानी कैपिटल रेज करने में हेल्प करना। मिस्टर जेपी मॉर्गन के जो अंकल है वो सॉन्ग राइटर और कंपोजर थे। उन्होंने बच्चों के लिए जिंगल बेल्स नाम का गाना लिखा और उसे कंपोज भी किया। शुरुआत में तो वो गाना नहीं चला, लेकिन बाद में ये गाना काफी हिट हुआ। अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जेपी मॉर्गन ने डंकन शेरमैन एंड कंपनी ज्वाइन की, जो कि उनके पिता की ही एक कंपनी थी। उसी दौरान एक शिप का कैप्टन उनके कॉन्टेक्ट में आया। उस शिप के कैप्टन ने उनसे कहा कि मैंने बहुत सारी कॉफी खरीद के रखी है, लेकिन मुझे उसके लिए कोई खरीदारी नहीं मिल रहा है। उस शिप के कैप्टन को उस कॉफी के लिए कोई खरीदार नहीं मिल रहा था, इसलिए वो उस कॉफी को कम दाम में भी बेचने के लिए तैयार था। तो जेपी मॉर्गन ने बहुत कम दाम में उस कॉफी को खरीदा और कुछ टाइम बाद उसे बेच दिया और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा लिया। जब भी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी जेपी मॉर्गन की तरफ आती थी तो वो उसके बारे में जरूर सोचते थे और उस पर काम करते थे। उन्हें ज्यादातर टाइम अपने पिता के साथ ही काम करना पड़ता था। अपने पिता जैसे कहे वैसे ही करना पड़ता था। उन्हें बिजनेस करने के लिए ज्यादा फ्रीडम नहीं मिलती थी। 1819 में एक एक्सीडेंट में उनके पिता की डेथ हो गई। उसके बाद मिस्टर जेपी मॉर्गन अपने तरीके से बिजनेस को चलाने लगे। वो जो भी अपॉर्चुनिटी उनके पास आती रही उस पर काम करने लगे, साथ ही इनोवेटिव बिजनेस आइडिया पर भी फोकस करने लगे। वो थॉमस अल्वा एडिसन के काम से काफी इम्प्रेस थे, इसलिए उन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन को अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल करने के लिए हायर किया। साथ ही उन्होंने एडिसन को अपनी कंपनी एडिसन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को फॉर्म करने में काफी ज्यादा पैसों की मदद की और बाद में उन्होंने मिलकर दुनिया का पहला पावर स्टेशन खड़ा किया। 1871 में उन्होंने एंथोनी ड्रैक्सल नाम के एक बैंकर के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप कंपनी शुरू की। उस कंपनी का उन्होंने नाम रखा ड्रैक्सल मॉर्गन एंड कंपनी। ड्रैक्सल मॉर्गन एंड कंपनी अलग अलग कंपनीज को फाइनेंस यानी पैसा प्रोवाइड करने का काम करती थी। उन्होंने कई बार यूएस गवर्नमेंट को भी फाइनेंस प्रोवाइड किया था। 1893 में एंथोनी ड्रैक्सल की डेथ हो गई, जिसके बाद पूरा कंट्रोल जेपी मॉर्गन के हाथ में आया और उसने कंपनी का नाम बदलकर जेपी मॉर्गन एंड कंपनी रख दिया। उसी टाइम पीरियड में यानी 1893 से यूएस में एक बहुत बड़ा डिप्रेशन स्टार्ट हुआ। उस इकोनॉमिक डिप्रेशन में कई सारे बिजनेस स्ट्रगल करने लगे और कई सारे बंद भी हो गए। उस टाइम पीरियड में एक और बिजनेस जो काफी स्ट्रगल कर रहा था वो थी रेलरोड कंपनीज काफी स्ट्रगल कर रही थी। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेते हुए मिस्टर जेपी मॉर्गन ने जो रेलरोड कंपनीज खराब कंडीशन में थी और उन्हें फाइनेंस की तुरंत जरूरत थी उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड किया और उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। ऐसे करते करते उन्होंने पूरे यूएस के करीब करीब 20-25% रेलरोड कंपनीज अपने कंट्रोल में कर ली। साल 1901 में मिस्टर थियोडोर रूजवेल्ट यूएस के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने देखा कि बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन मार्केट में अपनी मोनोपोली चला रहे हैं, यानी अकेले ही पूरे सेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, और इस मोनोपोली का गलत इस्तेमाल करते हुए वो लेबर्स को सही पैसा नहीं पे कर रहे हैं। जेपी मॉर्गन अपनी सारी रेलरोड कंपनीज को नॉर्दर्न सिक्योरिटीज नाम के कंपनी के जरिए चला रहे थे। मिस्टर रूजवेल्ट ने देखा कि जेपी मॉर्गन रेलरोड इंडस्ट्री में अपनी मोनोपोली चला रहे हैं, इसलिए उन्होंने जेपी मॉर्गन की कंपनी नॉर्दर्न सिक्योरिटीज के खिलाफ एंटी ट्रस्ट एक्ट के अनुसार कार्रवाई करना शुरू किया। साल 1904 में सुप्रीम कोर्ट ने जेपी मॉर्गन को अपनी मोनोपोली तोड़ने के लिए कहा और नॉर्दर्न सिक्योरिटीज को अलग अलग कंपनीज में डिवाइड करने के लिए कहा। जेपी मॉर्गन ने यूएस के कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को खड़ा करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने 1891 में थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी एडिसन जनरल इलेक्ट्रिक और थॉमसन हॉस्टन इलेक्ट्रिक कंपनी का मर्जर करवाया और उससे जनरल इलेक्ट्रिक नाम की कंपनी शुरू की। जनरल इलेक्ट्रिक आगे चलकर यूएस की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी बन गई। अगर आज की बात की जाए तो आज भी जनरल इलेक्ट्रिक यूएस की बड़ी कंपनीज में आती है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन फिलहाल $56 बिलियन है, यानी करीब 4,25,000 करोड़। साल 1901 में जेपी मॉर्गन ने एंड्रू कार्नेगी से उनकी कंपनी कार्नेगी स्टील कंपनी को खरीद लिया। उन्होंने उस टाइम कार्नेगी स्टील कंपनी को $480 मिलियन में खरीदा था और बाद में उन्होंने उस कंपनी को अपनी कुछ और स्टील कंपनीज के साथ मर्ज करवाया और यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉर्पोरेशन कंपनी शुरू की, जिसे हम सभी यूएस स्टील के नाम से जानते हैं। अपनी इस मर्जर के बाद यूएस स्टील दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई और दुनिया की सबसे पहली $1 बिलियन कंपनी बन गई, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन उस टाइम $1.4 बिलियन था, यानी उस टाइम के हिसाब से वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। उस जमाने में यूएस में कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं थी, जैसे कि इंडिया की सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यूएस की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व है, इस तरह की कोई भी सेंट्रल बैंक उस टाइम यूएस में नहीं थी। तो जब भी यूएस इकोनॉमी और यूएस गवर्नमेंट दिक्कत में आती थी तो सबसे पहला नाम उनके दिमाग में जो आता था
वो था जेपी मॉर्गन, क्योंकि वो उस टाइम के सबसे बड़े फाइनेंसियर थे। किसी को कितनी ज्यादा अमाउंट की जरूरत क्यों ना पड़े, जेपी मॉर्गन के पास वो कैपेबिलिटी थी कि वो कितना भी बड़ा अमाउंट फाइनेंस कर सकते थे। साल 1893 से यूएस में जो ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुआ उस टाइम भी उन्होंने गवर्नमेंट को काफी हेल्प की थी और यूएस इकोनॉमी को बचाया था। सिमिलरली 1907 के रिसेशन में भी उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को काफी हेल्प की। बाद में अपनी पावर का इस्तेमाल करके जेपी मॉर्गन ने यूएस की पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को अपने कंट्रोल में ले लिया। जेपी मॉर्गन का बैंकिंग सेक्टर में बढ़ता हुआ कंट्रोल देखकर साल 1913 में यूएस गवर्नमेंट ने यूएस की सेंट्रल बैंक की स्थापना की और उन्होंने उसका नाम रखा फेडरल रिजर्व सिस्टम। आज फेडरल रिजर्व पूरी दुनिया के सबसे पावरफुल सेंट्रल बैंक मानी जाती है। 1907 के रिसेशन में कई सारे स्टॉक ब्रोकरेज फर्म प्रॉब्लम में आ गए थे। सिर्फ स्टॉक ब्रोकरेज फर्म ही नहीं, पूरा स्टॉक एक्सचेंज NYSE दैट इज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज भी प्रॉब्लम में आ गया था। तो उस टाइम भी मिस्टर जेपी मॉर्गन ने उन स्टॉक ब्रोकरेज फर्म को और NYSE को हेल्प की थी और उन्हें कोलैप्स होने से बचा लिया था। अपने बिजनेस सक्सेस के चलते उन्होंने पूरी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री को, बैंकिंग इंडस्ट्री को, स्टील इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री और रेलरोड इंडस्ट्री को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया था। इन सारी इंडस्ट्रीज का ज्यादातर कंट्रोल जेपी मॉर्गन के पास था। आगे चलकर साल 2000 में उनकी कंपनी जेपी मॉर्गन एंड कंपनी चेज मैनहट्टन कॉर्पोरेशन के साथ मर्ज हो गई और कंपनी का नाम बदलकर जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी हो गया। आज जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी पूरी दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन फिलहाल 278 बिलियन डॉलर है, यानी करीब 21 लाख करोड़ है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन फिलहाल 9.5 लाख करोड़ के करीब है। तो जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक है। अपने लाइफ टाइम में जेपी मॉर्गन ने कई सारी कंपनीज को कंट्रोल किया। अपने पीक टाइम में वो 48 कंपनीज के बोर्ड पर थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने सारी कंपनी सक्सेसफुली चलाई, कई सारी कंपनीज में और डील्स में उन्हें फेलियर का सामना भी करना पड़ा, लेकिन सामने आ रही अपॉर्चुनिटीज पर उन्होंने हमेशा फोकस किया। देखा कि क्या वो अपॉर्चुनिटी उनके लिए सही है, अगर है तो फिर उन्होंने उस पर काम किया। एक बार ऐसे ही एक आदमी मिस्टर जेपी मॉर्गन के पास आया। उस आदमी के हाथ में एक लिफाफा था। उस लिफाफे को दिखाकर उसने मिस्टर जेपी मॉर्गन से कहा कि इस लिफाफे में सक्सेसफुल होने का गारंटीड फार्मूला है और अगर आपको ये फार्मूला चाहिए तो मैं आपको ये फार्मूला $25,000 में बेच सकता हूँ। उन्होंने कुछ टाइम तक उस लिफाफे पर गौर किया कि एक लिफाफे में आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि जिसकी वैल्यू $25,000 है। वो कंफ्यूज थे और श्योर नहीं थे कि उस चीज के अंदर क्या है, इसलिए उन्होंने उस आदमी से कहा कि मुझे नहीं पता कि इस लिफाफे के अंदर क्या है, लेकिन अगर तुम मुझे इसे खोलकर दिखाते हो और मुझे ये पसंद आता है तो फिर मैं तुम्हें इसकी पूरी प्राइस यानी $25,000 पे करूंगा और ये मेरा प्रॉमिस है। उसके बाद उस आदमी ने वो लिफाफा मिस्टर मॉर्गन के हाथ में दिया। उन्होंने उसे खोला, उसमें एक पेपर था। उसे पढ़ने के बाद तुरंत ही मिस्टर जेपी मॉर्गन ने $25,000 का चेक उस आदमी को दे दिया। उस पेपर पर गारंटीड सक्सेसफुल होने का फॉर्मूला लिखा था और सिर्फ 2 लाइन का ये फॉर्मूला था। उसकी पहली लाइन थी कि हर दिन सुबह आपको जो चीजें करनी है उनकी एक लिस्ट बनाओ, और दूसरी लाइन थी और उन चीजों को पूरा करो। हम चीजें कई बार सिर्फ दिमाग में ही रखते हैं, दिमाग में ही सोचते हैं कि मुझे आज ये करना है, वो करना है, और कई बार हमारे दिमाग से वो चीजें स्लिप हो जाती है। मिस्टर मॉर्गन को जो फॉर्मूला $25,000 में मिला, उन्होंने उस फॉर्मूले को बाद में सभी को फ्री में बता दिया, लेकिन इस फॉर्मूला को पता होने के बावजूद भी बहुत ही कम लोग उसे फॉलो करते हैं। टाइटैनिक जहाज की स्टोरी सबको पता है। अप्रैल 1912 में टाइटैनिक जहाज एक आइसबर्ग से टकराया और टकराकर डूब गया, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई। मिस्टर जेपी मॉर्गन ने भी उसकी बुकिंग की थी, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें अपनी ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी, जिससे उनकी जान भी बच गई। अगले साल ही यानी साल 1913 में 75 ईयर की उम्र में उनकी इटली में डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 2 घंटे के लिए बंद रहा। आज पूरी दुनिया जेपी मॉर्गन को एक ग्रेटेस्ट बैंकर के तौर पर जानती है, साथ ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पर भी। जब उनकी डेथ हुई तब उनकी नेटवर्थ $118 मिलियन थी, जो कि उस टाइम के यूएस जीडीपी के 0.3% थी। आज यूएस का जीडीपी करीब $19 ट्रिलियन है और उसका 0.3% $57 बिलियन होता है, यानी करीब 4,30,000 करोड़। मिस्टर जेपी मॉर्गन की यह सक्सेस स्टोरी जरूर अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी उन लोगों की स्टोरी पता चले जिन्होंने अमेरिका को खड़ा किया और दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी बनाया। आपको मिस्टर जेपी मॉर्गन की केस स्टडी कैसे लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ये केस स्टडी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।